इसमें कह रहा है उस एपी का 31वां पद ज्ञात करना है आपको, जिसका 11वां पद दिया है इतना और 16वां पद इतना दिया है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था किस तरह से लिखना है इसमें, फिर से देखिए जैसे मैं हल कर रहा हूँ। 11वां पद दिया है आपको, दिया है यहाँ लिखेंगे, 11वां पद कितना दिया है 38, तो यहाँ पे हम लिखेंगे A11, इस तरह लिखते हैं 11वें पद को, A11 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 इस तरह लिखा बराबर 38, तथा A16 बराबर कितना दिया है 16वां पद कितना है 77, तो यहाँ पे लिखेंगे 73। अब देखो इसको थोड़ा सा, A11 को हम कैसे लिख सकते हैं, A+10D एक कम, ठीक है, बराबर 38, और इसको लिख सकते हैं A+15D बराबर 73। इसको समीकरण एक मान लो, इसको समीकरण दो मान लो, समीकरण एक और दो कॉल करने पर, समीकरण एक व हल करने पर A+10D इजकल टू 38 और A+15D इजकल टू 73, ठीक है। अब इसको हल कर लेंगे, देखो घटाने पर लिखेंगे, घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस माइनस माइनस, ए से ए कट गया ये। अब ये देखो 15 बड़े हैं, माइनस का चिन्ह आएगा, 15 में से 10 गए 5D, यहाँ पे 73 बड़े हैं, यहाँ भी माइनस का चिन्ह आएगा, 13 में से 8 गए 5 और यहाँ 6 रह गया, 6 में से 3 गए 3, 73 में से 38 घटा दिए मैंने, माइनस से माइनस कट गया, डी बराबर 35/5, 5 7 35, डी बराबर 7। डी का मान समीकरण एक में रख दो, डी का समीकरण एक में रख दो A+10D इजकल टू 38। तो देखो A+10 डी का मान 7 है, यहाँ 7 रख दो बराबर 38, तो A+10 70 70 बराबर 38, 70 को पक्षांतर कर देंगे उधर, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा A बराबर 38 माइनस के 70, तो ए बराबर क्या आ जाएगा, 10 में से 2 गए 8 गए 2 बचे और यहाँ 6 में से 3 गए 3, माइनस के 32, ठीक है। ए और डी आ गए अपने पास, अब निकालेंगे मान किसका, ए पी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, लिखेंगे अब ए इकतीस बराबर क्या होगा, A+30D 30, तो ए का मान -32 + 30, डी का मान कितना है 7, तो -32 + 7 21, 210 ये हो गए। अब इसमें से घटा देंगे, 10 में से 2 गए 8, यहाँ रह गया यहाँ कितना, अब यहाँ भी 0 ही रह जाएगा, फिर यहाँ 10 में से 3 गए 7 और यहाँ 178 प्लस के बचेंगे, ठीक है ना, आंसर आ गया आपका, ठीक है, नोट कर लें।